CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ आवारा मसीहा पृष्ठ संख्या 37 से 77 तक। लेखक विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय विष्णु प्रभाकर, जन्म सन 1912। प्रेम बंधु और विष्णु नाम से लेखन की शुरुआत की, बाद में प्रभाकर भी जुड़ गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में हुआ, लेकिन बाल्यकाल हरियाणा में गुजरा। वहीं पढ़ाई हुई, उसके बाद नाटक कंपनी में अभिनय से लेकर मंत्री तक का काम किया। मौलिक लेखन के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर 60 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं। कहानी, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज, नाटक आदि विधाओं में रचना की। आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी, प्रकाश और परछाइयां 12 एकांकी अशोक, जो एकांकी संग्रह हैं, नव प्रभात डॉक्टर, जो नाटक हैं, ढलती रात स्वप्नमयी उपन्यास हैं, जाने अनजाने जो संस्मरण है आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा, जो कि सरकारी नौकरी छोड़ने का कारण बना। आवारा मसीहा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में रत। प्रस्तुत है पाठ 4, आवारा मसीहा। दिशाहारा। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी, फूल फल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घनी छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। वह अब यहां से चला जाएगा, इस बात से शरत का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वह किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन गहराते आ रहे थे। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूद कर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ न कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे, और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूंगा। आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मजा आता है। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूंगा? वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊंगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ओह कितनी प्यारी जगह है यह भागलपुर, देख लेना, मैं अवश्य आऊंगा। दो क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी है, मान लो
किसी वन में जा रहे हैं, हठात संध्या का अंधकार फैल गया। चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाजें उठने लगीं। तब यदि पेड़ पर चढ़ना न आया तो महाविपद। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरत ने कहा, गिरेगा क्यों रे? वह और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरत को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। इससे पहले भी वह मां के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी मां जब उसको लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वह। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका। चारों ओर से लांछित होकर वह बार बार कामकाज की तलाश करते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दासता के बंधन में कोई सामंजस्य न हो पाता। कुछ दिन उसमें मन लगाते, परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते। परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत होता उतना ही महत्वहीन। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की। बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा होता था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके। एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया, क्या इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरत की मां भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आईं। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। खंड 2। भागलपुर आने पर शरत को दुर्गा चरण M.E. स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहां तक हुई है इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहां उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। यह केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि
स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरत का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नाना लोग कई भाई थे और संयुक्त परिवार में एक साथ रहते थे, इसलिए मामाओं और मौसियों की संख्या काफी थी। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणीन्द्र उसका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानो यमराज के सहोदर थे। मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है, इसलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुण ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्याध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरत यहां भी अग्रणी था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है। बस, नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा, मुशाई लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। वे स्कूल के मंत्री ही नहीं, समाज के नेता भी थे। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरत ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले। और तुरंत ही समवेत गान का यह स्वर वहां गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज नाय, क्रो एंड केपर केपर एंड क्रो, देयर लिटिल बेबी देयर यू गो, अप टू द सीलिंग अप टू द ग्राउंड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड राउंड एंड राउंड, Dance little baby and mother will sing merrily merrily ding ding ding। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया, खुशी से ताक धिना धिन। एक दिन न जाने कहां से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता? चमगादड़ को देखकर मणि और शरत के हाथ खुजलाने लगे। लाठियां लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो रिपीट फिर जो युद्ध मचा उसमें चमगादड़ तो जंगल में से होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी। चादर पर तेल फैलाता हुआ वह बुझकर गिर पड़ा। यह देखकर मणि और शरत दोनों चुपचाप वहां से पलायन कर गए। नाना की आंख खुल गई, देखा घोर अंधकार फैला है, पुकार उठे, मुशाई मुशाई।
मुशाई दौड़ा दौड़ा आया। जी बाती क्या यूं बुत गया? दिया सलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहां ना तो मणि है और ना शरत, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरत तो खाना खाने गए हैं, देवी ने बत्ती गिरा दी है। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर मां सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरत के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की शिक्षा की देखभाल करते थे। वे गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि में यह अक्षम्य अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरत तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया, जगड़नाथ। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरत पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। यहां तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहां की घड़ी समय से आगे चलने लगती, उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था। लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। इसी समय शरत की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया, वे घड़ी को आधा घंटा आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी वह 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूं। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके भी मन में थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। 1 दिन पानशाला से असमय में ही लौट आए। क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहां से भाग गए, लेकिन शरत भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। पंडित जी यह कभी नहीं जान सके कि सारे नाटक का निर्देशक वही है। उसने कहा, पंडित जी आपके पैर छूकर कहता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुख भंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर आ गया। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग।
नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काठ के बक्स में रखा था। बड़े यत्न से वह उनकी देखभाल करता था। उनकी रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था होती थी। उनके युद्ध का प्रदर्शन भी होता था। उसी प्रदर्शन के कारण उसके सभी साथी उसकी सहायता करके अपने को धन्य मानते थे। उनमें न केवल परिवार के या दूसरे बड़े घरों के बालक थे, बल्कि घर के नौकरों के बच्चे भी थे। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बच्चे भी उसे प्रसन्न करके अपने को कृतार्थ अनुभव करते थे। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल गाछ और लता गुल्म लगाए थे। ऋतु के अनुसार जूही, बेला, चंद्रमल्लिका और गेंदा आदि के फूल खिलते और दलपति सहित सभी बच्चे गदगद हो उठते। इस उपवन के बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतया वह उस पर मिट्टी लीप देता, परंतु कोई विशिष्ट व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन ये सब कार्य उसे लुक छिप कर करने पड़ते थे, क्योंकि नाना लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरत निष्णात था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में जरा भी कमी नहीं हुई। छात्रवृत्ति के संबंध में यहां यह बताया गया है कि सन 1887 ईस्वी में छात्रवृत्ति स्कूल होते थे, जिनमें अंतिम श्रेणी छठी होती थी। छात्रवृत्ति का अर्थ आज जैसा नहीं था। और अब पाठ जारी करते हैं। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा, परंतु शर्त था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। नीले आकाश में नृत्य करती हुई उसकी पतंग को देखकर दल के दूसरे सदस्यों के हृदय नाच उठते। उसका मांझा विश्वजयी था। वह ऐसा पेंच मारता कि विरोधी की पतंग कटकर धरती पर आ गिरती। शून्य में लट्टू घुमाकर उसे हथेली पर ऐसे लपक लेता कि साथी मुग्ध हो रहते। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात पात। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने मालिकों के सब उपाय व्यर्थ हो जाते। यदि कभी पकड़ा भी जाता
तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरत चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सव्यसाची इस कला में निष्णात हैं। पता नहीं दुर्दांत राम की तरह उसकी कोई नारायणी भाभी थी या नहीं, पर निश्चय ही चोरी की शिकायत आने पर उसकी मां ने उस कलमुहे को एक पैर पर खड़ा होने की सजा दी होगी और उसने विरोध प्रकट करते हुए भी उसे स्वीकार कर लिया होगा। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। भले ही तत्कालीन मापदंड के अनुसार उसे यह उपाधि मिली हो, पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता, चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कॉपियां, कलम दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झक झक करती थीं। कॉपियां वह स्वयं करीने से काटकर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था, लेकिन यह देने के अभिमान का आनंद नहीं था, यह था भार मुक्ति का आनंद। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था। बड़े होने पर कथा शिल्पी शरतचंद्र की बड़ी बहू सबसे अधिक इसीलिए तो परेशान रहती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय उसे अपने शरीर का बड़ा ध्यान रहता था। नाना के घर के उत्तर की ओर गंगा के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा और बदनाम घर था। कभी वहां एक बहुत बड़ा परिवार रहता था, परंतु संयोग से एक के बाद एक कई मृत्यु हो जाने पर वे लोग उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत दिनों तक वह भूतावास बना रहा। अभिभावकों से छुपाकर इसी महल के आंगन में शरत ने कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार किया। गोला फेंकने के लिए गंगा के गर्भ से बड़े बड़े गोल पत्थर आ गए, लेकिन पैरेलल बार की व्यवस्था नहीं हो सकी, पैसे का अभाव जो था। बहुत सोच विचार कर शरत ने आदेश दिया, बांस की बार तैयार की जाए। बस संध्या के झुटपुटे में चार पांच लड़के बांस काटने निकल पड़े। झाड़ झंखाड़ों में रगड़ रगड़ कर हाथ पांव लहू लुहान हो गए, पर दलपति की आज्ञा है कि उसी रात को पैरेलल बार तैयार हो जानी चाहिए और वह हुई। अगले दिन दोपहर तक सब लड़के उत्फुल्ल होकर उस पर झूलने लगे, लेकिन शोर मचाना वहां एकदम मना था। घर के लोग जान न लें, इसलिए लौटते समय वे सब प्राण रक्षा का मंत्र पढ़ते हुए लौटते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गिर जाने के कारण एक बालक को चोट आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कर लेना कष्टसाध्य नहीं है। उसका विश्वास था कि तैरने से शरीर बनता है। गंगा घर के समीप ही थी, लेकिन कभी कभी रूठ कर दूर चली जाती थी। उस वर्ष ऐसा ही हुआ। बीच में छोटे छोटे ताल बन गए,
और उनमें लाल लाल जल भर गया। शरत, उस लाल जल में स्नान करने का लोभ कैसे संवरण कर सकता था? मणिमामा को साथ लेकर एक दिन वह उसमें कूद ही तो पड़ा, लेकिन उसका दुर्भाग्य, उस दिन छोटे नाना अघोरनाथ असमय ही घर लौट आए। उन्होंने मणि को नहीं देखा तो पूछा, मणि कहाँ है? किसी ने बताया, मणि शरत ताल में स्नान करने गए हैं। उस क्षण अघोरनाथ ने जो हुंकार किया उसे सुनकर सब डर गए। उनका यह डर अकारण नहीं था। जैसे ही दोनों बालक नहाकर खुशी खुशी घर लौटे, वैसे ही छोटे नाना सिंह के समान गर्जन करते हुए मणि पर टूट पड़े। घर की नारियों के बार बार बचाने पर भी उसकी जो दुर्गति हुई, उसको ठीक होते होते 5-7 दिन लग गए। लेकिन शरत उस क्षण के बाद वहां नहीं देखा गया। तीसरे दिन जब नाना फिर घोड़े पर सवार होकर काम पर चले गए, तभी वह दिखाई दिया। मामा लोगों ने अचरज से पूछा, तू कहां चला गया था रे? शरत ने उत्तर दिया, मैं गोदाम में था। क्या खाता था? वही जो तुम खाते थे। कौन देता था? छोटी नानी। जिस समय छोटे नाना मणि को मार रहे थे, उस समय छोटी नानी के परामर्श से शरत घर में जा छिपा था। लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था, उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था। पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जातीं, छिपकर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। विपद पड़ने पर गुरुजनों के दंड से कैसे मुक्ति पाई जाती है, इसका भी एक मंत्र उसमें लिखा था। अपने सभी साथियों को उसने यह मंत्र सिखा दिया। मंत्र था, ओम ह्रीं द्यूं द्यूं रक्ष रक्ष स्वाहा। केवल गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने का ही नहीं, सांपों को बस में करने का मंत्र भी उसे उसी में मिला था। शरत उसकी परीक्षा करने को आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से उसके प्राण बच सके थे। इसीलिए वह जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फण के पास रख देने पर पल भर ही में वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का पता लग गया था। इसलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। खुशी से भरकर शरत अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बाहर निकालने को छेड़ने लगा। बालकों के इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरत इसी क्षण की राह देख रहा था। तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने कर दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके
सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। यह देखकर बालक भयातुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। ऐसा लगता है तब तक शरद की भेंट विलासी के मृत्युंजय से नहीं हुई थी। जड़ दिखाने से पूर्व एक काम और भी तो करना होता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गरम लोहे की सींक से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे कोई मामूली सी सींक, उसे भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरतचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जाता कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठती, कहां गए शरद्दा? यहीं तो थे, कहां थे? कुछ पता न लगता। परंतु जब खोज खोज कर सब थक जाते तो न जाने कहां से आकर वह स्वयं हाजिर हो जाता। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहां चले गए थे? तपोवन। यह तपोवन कहां है? हमें भी दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक पटती थी। शायद इसलिए कि सुरेंद्र ने उसकी मां का दूध पिया था। वह अभी छोटा ही था कि उसकी मां के फिर संतान होने की संभावना दिखाई दी। उधर शरद का छोटा भाई शैशव में ही चल बसा था। तब उसकी मां ने सुरेंद्र को अपना दूध पिलाकर पाला था, इसलिए बहुत अनुनय विनय करने पर एक दिन वह उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। जाने से पूर्व उसने सुरेंद्र से कहा, मैं तुझे वहां ले तो चलूंगा, परंतु तू सूर्य गंगा और हिमालय को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा कर कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताएगा। सुरेंद्र बोला, मैं सूर्य को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं गंगा को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। मैं हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी और को इस स्थान का पता नहीं बताऊंगा। अब चल। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ों ने उस जगह को घेर कर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था कि मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरत उसके भीतर गया। वहां थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्ज्वल किरणें छन छन कर आ रही थीं और उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश फैल गया था। देखकर आंखें जुड़ाने लगीं और मन गदगद होकर मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गया। एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, उसके ऊपर बैठकर शरत ने सुरेंद्र को बुलाया, आ। सुरेंद्र डरते डरते
पास जा बैठा। नीचे खर स्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरें शरीर को पुलक से भर रही थीं। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरद बोला, हां, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। न जाने क्या क्या सोचा करता हूं, बड़ी बड़ी बातें सब यहीं दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूं। आज समझा हूं कि इस बार तुमने अंक गणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा। और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। उसने अनुभव किया होगा कि घर में एकांत नहीं है, जरा जरा सी ध्वनि मस्तिष्क में प्रतिध्वनि पैदा करती है और उभरते हुए चित्र को धुंधला कर देती है। तभी उसने इस तपोवन को ढूंढ निकाला होगा। लेकिन उसने अंक गणित में ही 100% अंक नहीं पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ यह कि छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिल होना पड़ा, इसलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए और वह बीच में ही एक वर्ष लांघकर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहां मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहां गुरुजन भी आश्वस्त हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहीं से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रवींद्र की पुस्तकों के पन्ने पलटते। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरत। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, यह कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरत ने उत्तर दिया, मास्टर मोशाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में काम काज करके यह उसको खिलाती थी। कल रात इसका वह अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है,
दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाए, यह सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी इस सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। इस घोर आदर्शवादी परिवार में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिस पर नवयुग की हवा का कुछ प्रभाव हुआ था। वे थे केदारनाथ के चौथे भाई अमरनाथ। वे शौकीन तबीयत के थे, कबूतर पालते थे और उस युग में कंघा, शीशा और ब्रश इत्यादि का प्रयोग करते थे। सिर पर अंग्रेजी फैशन के बाल भी रखते थे। घर के बालक उनके इस रूप पर मुग्ध थे। मुग्ध होने का एक और भी कारण था। दफ्तर से लौटकर वे रोज उन्हें कुछ न कुछ देते थे, जैसे पेपरमेंट की गोलियां इत्यादि। लेकिन इसी कारण बड़े भाई उनसे अप्रसन्न थे और इसी कारण एक दिन चोटी रखकर शेष बाल उन्हें कटा देने पड़े थे। पढ़ने में भी उनकी रुचि कम नहीं थी। बंकिम चंद्र के बंग दर्शन का प्रवेश उन्हीं के द्वारा गांगुली परिवार में हो सका था। यह बंग दर्शन बांग्ला साहित्य में नवयुग का सूचक था। गांगुली लोगों के हाली शहर से बंकिम चंद्र का कांठाल पाड़ा दूर नहीं था। उस गांव की एक लड़की इस परिवार में वधु बनकर भी आई थी, लेकिन घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। बंकिम चंद्र की यहां तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं थी। नवयुग के संदेशवाहक होने के नाते इस कट्टर परिवार में अगर थी तो थोड़ी बहुत अप्रतिष्ठा ही थी। लेकिन फिर भी अमरनाथ चोरी छिपे बंग दर्शन लाते थे। उनसे वह भुवन मोहिनी के द्वारा मोतीलाल के पास पहुंचता था और वहां से कुसुम कामिनी की बैठक में। दुर्भाग्य से अमरनाथ बहुत दिन जी नहीं सके। बच्चों को अपार व्यथा में डुबोकर वे छोटी आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उनकी कमी किसी सीमा तक मोतीलाल और कुसुम कामिनी ने पूरी की। कुसुम कामिनी सबसे छोटे नाना अघोरनाथ की पत्नी थीं। छात्रवृत्ति परीक्षा पास करके स्वयं उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हाथों से पारितोषिक पाया था। जैसा कि होता आया है, तब भी स्त्रियों का मुख्य कार्य था रसोई का जुगाड़ करना और घर गृहस्थी के दूसरे कार्य संभालना। उससे समय बचा तो जीवन को जीवंत बनाने के लिए कलह करना या सोना, फिर जागने पर निंदा में रस लेना। लेकिन कुसुम कामिनी यह सब नहीं कर पाती थीं। जिस दिन उनकी रसोई बनाने की बारी नहीं होती थी, उस दिन उनकी बैठक में या ऊपर छत पर एक छोटी मोटी गोष्ठी होती थी। उसमें वे स्वयं बंग दर्शन के अतिरिक्त मृणालिनी, वीरांगना, ब्रिजांगना, मेघनाद वध और
नील दर्पण पढ़कर सुनाती थीं। उनका स्वर और पढ़ने की शैली इतनी मर्मस्पर्शी थी कि सभी निस्पंद हो उठते थे। बालक शरत आश्चर्य और आदर से भरकर सोचता कि लेखक भी कितना असाधारण व्यक्ति होता है। संभवतः उसके मन में तब लेखक बनने की बात नहीं उठी थी, पर उसने लेखक को मनुष्य से ऊपर अवश्य माना था। यह उसके उपार्जन करने का युग था, लेखक बनने का नहीं। इस गोष्ठी में उसने साहित्य का पहला पाठ पढ़ा था और फिर बहुत दिन बाद पढ़ी बंग दर्शन में कवि गुरु की युगांतरकारी रचना आंख की किरकिरी। पढ़कर उस किशोर को जो गहरे आनंद की अनुभूति हुई, उसको न वह किसी को बता सका न जीवन भर भूल ही सका। अब तक उसका मन भूत प्रेतों की कहानियों से ही आतंकित रहा था। इस नए जीवन दर्शन ने उसे प्रकाश और सौंदर्य के एक नए जादू भरे संसार में पहुंचा दिया। जैसे पुश्किन की रचना पढ़ने के बाद तोल्स्तॉय पुकार उठे थे, मैं पुश्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूं, वे मेरे पिता हैं, वे मेरे गुरु हैं, वैसे ही शरत ने कहा होगा, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूं, वे आज से मेरे गुरु हुए। और सचमुच शरत जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानते रहे। वास्तव में मणि शरत की शिक्षा का आदि पर्व कुसुम कामिनी की पाठशाला में ही शुरू हुआ था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। शैशव से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अपराजेय कथा शिल्पी शरत चंद्र के निर्माण में कुसुम कामिनी का जो योगदान है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रवींद्रनाथ की कविता प्रकृतिर प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। वे बाहर रहकर पढ़े थे। इस परिवार में वर्जित संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। उस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार की सभी नारियों को इकट्ठा किया था। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरत की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वह उठकर बाहर चला गया। खंड 3। नाना के इस परिवार में शरत के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। उसके पिता न केवल स्वप्नदर्शी थे, बल्कि उनमें कई और दोष थे। वे हुक्का पीते थे और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। उनकी शरारतों में वे सदा अपरोक्ष रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सजा मिलती, तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आया करते थे। जब वे छूटते तो फूलों की माला तैयार करके उन्हें प्रसन्न कर देते थे। उनके बनाए कागज के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वे स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते हैं। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में शाद्वल के समान थे।
उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था, जैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। उनका अपना उनके पास कुछ नहीं था। काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कड़ाहे में छोड़ दिया हो, मानो सबने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो, मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे में कहीं जा रही थीं कि वह उलट गया। यहां बताया गया है कि यह सन 1888 ईस्वी की बात है। और अब पाठ जारी करते हैं। उनके काफी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह भागलपुर में ठीक नहीं हो सकीं। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कलकत्ता ले जाइए। काफी व्यय साध्य बात थी और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर रहता है। केदारनाथ करें तो क्या करें। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया, कहा, अब तुम्हारा यहां रहना संभव नहीं है, देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। मोतीलाल ने सुन लिया, भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती और कैसे करती। इसीलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया है। लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था, इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफी बड़ा इतिहास है। श्याम वर्ण, स्वस्थ चेहरा, आजान बाहु, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस, ऐसे राजेंद्रनाथ उर्फ राजू के पिता राम रतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्याग पत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था और आसपास की जमीन को लेकर दोनों परिवारों में काफी मनमुटाव भी था। उस समय वहां घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहां निरंतर चलता था। राम रतन मजूमदार ने अपने सात बेटों के लिए सात कोठियां बनवाई, लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थीं जिनके लिए पुरातन पंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग
चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बैरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट देते थे। पिता की स्वाधीन चेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी पारंगत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे। राजू के पास पैसे का बल था, पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई, लेकिन शरद के पास पैसा कहां से आता? और उसमें नाना उपक्रम मिलाकर मांझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग मनचाही दिशा में उड़ चली। उसी समय देखा गया कि एक सफेद पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। यह थी राजू की पतंग। बस द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। पेंच पर पेंच लड़े जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। वह मारा, वह काटा का कर्णभेदी स्वर सबको डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था, शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सभी सरंजाम गंगा को समर्पित कर दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। अमित साहस, अपूर्व प्रत्युत्पन्न मति, सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला। शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती थी और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघकर दोनों किशोर एक हो गए। राजू, जो आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके? उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते हैं। खंड 4, मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ा पाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राढ़ी ब्राह्मण परिवार के एक
स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का, लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसीलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूं, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है, झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सबेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहुमा बहुमा, अनर्थ हो गया, बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला, उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहुमा की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़, उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गईं। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहां आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वरण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी, होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सद्वंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु मां उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूं जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ,
खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित दो कोठरियों का एक मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की मां साहसी सुगृहिणी थीं, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थीं। वह सुंदर नहीं थीं, परंतु वैदूर्य मणि की तरह अंतर के रूप से रूपसी निश्चय ही थीं। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बंगाब्द आश्विन कृष्णा द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 4-1 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरत चंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा, ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणाकर कवि भारतचंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहां बिताया था। इसकी गणना प्राचीन सप्त ग्रामों में होती है, तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद्य लिखकर इन्हें अमर कर गए। ए तिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप कैल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम हरि राम रायेर वासना देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी भारते नरेंद्र राय देशे जार यश गाए होए मोरे कृपा दाए पढ़ाइल पारसी। इसी गांव में शरत का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। मां न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थीं, जानती थीं पति कैसे हैं, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थीं, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओ के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करें। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी।
मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाली रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसीलिए सभी उसको प्यार करते थे, बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। मां का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अकर्मण्यता उसको ठेस पहुंचाती ही है। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, शुभदा के हारान बाबू की तरह। खंड 5। शरत जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बाकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया, लेकिन वह शब्दशः शरारती था। प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी शरारतें भी बढ़ती गईं। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। समझ गए यह किसी विद्यार्थी का ही काम है। क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चीत्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरत का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेंत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरत ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरत यह जा और वह जा। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरत के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर मां के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरत को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और यह बहुत बड़ा आदमी होगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वह बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है, पर बड़ा होकर यह भला मानस ही बनेगा। यहां बताया गया है कि न्याड़ा शरद के पुकारने का नाम है। और अब पाठ जारी करते हैं। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हुई। वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए
दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुभीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते हैं। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरत देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर बैठा था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुहाई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौटकर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हों। वह चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा, बोला, यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट, देखूं तो। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर कहीं पता न लगा। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप तब देखते ही बनता था। सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह दिखाई देता था और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी। बोले, तो वह शर्ता हराम ज्यादा तुझे धक्का देकर भाग गया है। भोलू ने किसी तरह कहा, आ आ। उसके बाद शरद की खोज मची। वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं था। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की, उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी। वह यह भी जानती थी कि शरत इस समय कहां गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में प्रवेश किया। वहीं एक बांस का भिड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा, शरत वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उसे देखते ही बोला, लाओ, क्या लाई हो? और यह कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वह बोला, पानी लाई हो? धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरद बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा, कहा,
अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहां से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। धीरू नहीं उठी। शरत ने गुस्सा होकर कहा, जाओ मैं कह रहा हूं ना। धीरू अब भी चुप रही। तब शरत ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा, कहा, जाएगी कि नहीं? धीरू रो पड़ी, एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी मां से सब कुछ कह दूंगी, यह भी कहूंगी कि तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे जामर। उस दिन फिर शरत को मां के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिन बाद शैशव की संगिनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, ये सब धीरू ही का तो विकसित और विराट रूप है। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही मूर्त रूप दिया है। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निरुद्वेग सो जाते। दूसरे दिन सवेरा होते ही फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन, चौथे दिन बार बार यही कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न उसकी कोई जरूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही यथेष्ट थे। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में जाकर शागिर्दी भी करता था। यहां बताया गया है कि यात्रा दल यानी जात्रा दल, नाट्य दल बंगाल में एक विशेष प्रकार की नाटक मंडली जो खुले में गांव में नाटक करती है, इसे पाला भी कहते हैं। और अब पाठ जारी करते हैं। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था, लेकिन जब उससे भी उसका जी उब जाता तो अंगोछा कंधे पर रखकर निकल पड़ता। यह निकल पड़ना विश्व कवि के काव्य की निरुद्देश्य यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहां आवभगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता। दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती। फिर शागिर्दी शुरू होती। फिर घर से 9-2-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। वहां रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। वहीं जाकर कीर्तन में हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन यह एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ उसका वहां जाना जारी रहा। इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला, शायद वहां मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहां दाखिल किया गया। लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। साल भर यूं ही निकल गया। तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आनसोन में एक नौकरी मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन
वह भी वहां रहा, लेकिन वह सारा समय खेलकूद में ही बीता। वहां एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियां बटोरता या फंदा डालकर गिरगिट पकड़ता या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता और कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक डेहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक जा पहुंचा था। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है, पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है, पानी कमर से ऊपर नहीं जाता, अक्सर उसमें सिवार भरी रहती। बीच बीच में जहां खुला था वहीं छोटी छोटी मछलियां खेला करती थीं। बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया है और कह रहा है, माँ जी मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर अदा कर दूंगा, एक अच्छी सी गाय लाना चाहता हूं। बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसने कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपए दे दिए और वह प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौंधाया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छीप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा, वह बहुत नाराज हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़कर वह उसे दादी के पास ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है, खतरा है, अगर समय से न लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या इसको। दादी खतरे की बात जानती थी। उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से कह दूंगी। नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल के बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रैंड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी आ पहुंचा। शरद को वहां देखकर हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की कमचियां। रुपए भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था। 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे, जो ऊपर जाकर आपस में ऐसे मिल गए थे कि राह में घना अंधेरा छा गया था। जब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंखाड़ों वाला वह जंगल और भी घना हो आया। इसी जंगल में तो लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत बुलाना है। बाघ के सामने पड़कर भी दैव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पड़कर नहीं। यहीं पहुंचकर सहसा उन्हें कुछ दूर पर चीख सुनाई दी, साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन बोला, बेचारा
खत्म हो गया। अब हमें जरा होशियार होकर चलना चाहिए। बालक शरत भय से कांपने लगा, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। धुंध के मारे कुछ दिखाई भी नहीं देता था कि सहसा फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। नयन चीख उठा, खबरदार, कह देता हूं, बामन का लड़का मेरे साथ है। अगर पाबड़ा मारा तो तुम में से एक को भी जीता नहीं छोड़ूंगा। यहां बताया गया है कि बांस का बना हुआ 2-3 फीट का डंडा जो फेंक कर दुश्मन के पांव पर मारा जाता है पाबड़ा कहलाता है। कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ आगे बढ़कर उन लोगों ने उस आदमी को देखा जिसकी चीख सुनाई दी थी। बेचारा कोई भिखारी था, इकतारा बजाकर भीख मांगता था। नयन से नहीं रहा गया, क्रुद्ध होकर बोला, अरे नरक के कीड़ों, तुमने बेकार ही एक वैष्णव भिखारी के प्राण ले लिए। जी चाहता है तुम लोगों को भी इसी प्रकार मार डालूं। इस बार पेड़ की आड़ से किसी ने जवाब दिया, धर्म कर्म की बातें रहने दे, जान बचाना चाहता है तो भाग जा। हरामजादो कायरो, भागूंगा मैं तुम्हारे डर से, यह कहकर उसने टेंट में से रुपए निकाले और टनटनाते हुए बोला, देखो मेरे पास रुपए हैं, हिम्मत हो तो पास आओ और ले जाओ, मैं नयन बागदी हूं। कोई उत्तर नहीं आया। मोटी सी गाली देकर वह फिर बोला, क्यों रे, आओगे या मैं घर जाऊं? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। राह में 2-3 पाबड़े पड़े हुए थे, नयन ने उन्हें उठा लिया। कुछ दूर वह चला भी लेकिन फिर बोला, ना भैया, आंखों से वैष्णव की हत्या देखकर हत्यारों को उसकी सजा दिए बिना मुझसे जाया नहीं जाएगा। बालक शरत ने पूछा, क्या करोगे? वह बोला, क्या मैं एक साले को भी न पकड़ पाऊंगा? तब हम दोनों मिलकर लाठी से पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। पीट कर मारने के आनंद से बालक शरत बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नयन दादा, तुम अच्छी तरह उसे पकड़े रहना, मैं अकेले ही उसे पीट कर मार डालूंगा, लेकिन कहीं मेरी छीप टूट गई तो? नयन ने हंसकर कहा, छीप की मार से नहीं मारेगा भैया, यह सोटा लो। और एक अच्छा सा पाबड़ा उसने बालक शरत को दे दिया। तब तक लुटेरों ने समझ लिया था कि वे लोग चले गए हैं, इसलिए वे भिखारी की तलाशी लेने के लिए आ पहुंचे। नयन पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। उनमें से एक ने उसे देख लिया और चिल्लाकर बोला, वहां कौन खड़ा है? उसकी चिल्लाहट सुनकर सब लोग भाग चले, लेकिन वह पकड़ा गया। नयन ने उसे बांध लिया और बालक के पास ले आया। वह बराबर रो रहा था, मुंह पर उसने कालिख पोत रखी थी, बीच बीच में चूने की टिपकी लगी हुई थी। नयन ने उसे सड़क पर लिटाया और कसकर 2-3 लातें लगाईं, फिर शरत से कहा, अब ताक कर पाबड़ा मारो। बालक के हाथ पैर कांप रहे थे, रुआंसा होकर उसने कहा, मुझसे यह काम न हो सकेगा। नयन ने कहा, तुमसे न हो सकेगा? अच्छा, तो मैं ही इसे खत्म करता हूं। शरत ने विनती के स्वर में कहा, ना नयन दादा, मारो नहीं। तब तक वह आदमी, जिसने शायद 2-3 दिन से अन्न की शक्ल भी नहीं देखी थी, सड़क पर ऐसे लेटा रहा जैसे मर गया हो। नयन ने झुक के उसकी नाक पर हाथ रखा और कहा, नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया है, चलो भैया हम भी घर चलें। खंड 6। 3 वर्ष नाना के घर भागलपुर रहने के बाद अब उसे फिर देवानंदपुर लौटना पड़ा। बार बार स्थान परिवर्तन के कारण पढ़ने लिखने में बड़ा व्याघात होता था, आवारगी भी बढ़ती थी, लेकिन अनुभव भी कम नहीं होते थे। भागलपुर में रहते हुए नाना प्रकार की शरारतों के बावजूद शरत ने सदा अच्छा लड़का बनने का प्रयत्न किया था। पढ़ने में भी वह चतुर था। गांगुली परिवार के कठोर अनुशासन के विरुद्ध बार बार उसके भीतर विद्रोह जागता था, परंतु यह कामना भी बड़ी प्रबल थी कि मैं किसी से छोटा नहीं बनूंगा।
इसीलिए अंततः उसकी प्रसिद्धि भले लड़कों के रूप में होती थी। इन सारी शरारतों के बीच एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना उसे बराबर प्रिय रहा। चिंतन के इन क्षणों में अनेक कथानक उसके मन में उभरे। लिखने का प्रयत्न भी उसने किया। वह सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह थी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पथ भ्रष्टता में ही अधिक होता था। देवानंदपुर लौटकर यह पथ भ्रष्टता और भी बढ़ गई। अनुशासन के नाम पर यहां कुछ था ही नहीं। किसी तरह हुगली ब्रांच स्कूल की चौथी श्रेणी में भर्ती हो गया। यहां बताया गया है कि सन 1889 या 1890 की चौथी श्रेणी वर्तमान की सातवीं श्रेणी के बराबर है। और अब पाठ जारी करते हैं। दो पक्के कोस चलकर स्कूल जाना पड़ता था। निपट कच्चा रास्ता, गर्मी में धूल से भरा, वर्षा में कीचड़ ही कीचड़। गरीबी इतनी थी, आसानी से फीस का जुगाड़ करना मुश्किल था। आभूषण बेच देने और मकान गिरवी रख देने पर भी वह अभाव नहीं मिट सका। पेट भी तो भरना होता था। फिर भी किसी तरह वह प्रथम श्रेणी तक पहुंच गया, परंतु अब तक पिता पर ऋण बहुत चढ़ गया था। यहां बताया गया है कि प्रथम श्रेणी वर्तमान की दसवीं श्रेणी है। और अब पाठ जारी करते हैं। वे फीस का प्रबंध न कर सके, और फीस के अभाव में स्कूल जाना कैसे हो सकता था। शुरू शुरू में वह किसी साथी के घर मुट्ठी भर भात खाकर स्कूल के मार्ग में पेड़ों के तले शरारती बालकों की संगति में दिन काट देता था। फिर धीरे धीरे उन लड़कों के दल का सरदार बन गया। विद्या पीछे छूट गई और हाथ में आ गई दुधारी छुरी, जिसे लेकर वह दिन रात घूमा करता था। उसके भय के कारण उसके दल के सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगता था, लेकिन वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल में मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था, दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे और गांवों में निर्धनों की ही संख्या अधिक होती है। इन्हीं में एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से बीमार, गरीबी के कारण इलाज की ठीक ठाक व्यवस्था कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। आखिर उसे इसी दल की शरण लेनी पड़ी। तुरंत ये लोग बहुत सी मछलियां पकड़ लाए और उन्हें बेचकर उसके इलाज का प्रबंध कर दिया। उपेक्षित अनाश्रित रोगियों की वे स्वयं भी यथाशक्ति सेवा करते थे। अनेक अंधेरी रातों में लालटेन और लंबी लाठी लेकर मीलों दूर वे शहर से दवा ले आए हैं, डॉक्टर को बुला लाए हैं। इसलिए जहां कुछ लोग उनसे परेशान थे, वहां अधिकांश लोग उन्हें मन ही मन प्यार भी करते थे। शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिनहुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु
उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। इनका अड्डा ताल के किनारे वाले बाग के पास ऊंचे टीले की आड़ में एक गहरा खड्ड था। सब लूटी हुई सामग्री वे यहीं रखते थे, तंबाकू पीने का सरंजाम भी यहीं था। इस दल के उत्पात जब बहुत बढ़ गए तब सदानंद के अभिभावकों ने उसे आज्ञा दी कि वह शरद से कभी न मिले। लेकिन मिलन क्या कभी निषेध की चिंता करता है? उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला कि सांप मरे न लाठी टूटे। सदानंद के घर की छत से लगा एक ऊंचा पेड़ था, उसी पर चढ़कर शरत छत पर पहुंच जाता और दोनों खूब शतरंज खेलते। उसके बाद रात्रि अभियान पर निकल पड़ते। सब काम समाप्त करने के बाद दोनों मित्र भले लड़कों की तरह अपने अपने घर जाकर सो जाते थे। जब कभी भी उसके दिल में किसी काम को करने की इच्छा प्रबल हो उठती थी तो उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों का स्फुरण भी आश्चर्यजनक हो उठता था। बीच बीच में मछुओं की नाव लेकर कभी अकेले, कभी मित्रों के साथ कृष्णपुर गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी के अखाड़े में पहुंच जाना वह नहीं भूला था। यहीं कहीं उसका मित्र गौहर रहता था। रिपीट, श्रीकांत चतुर्थ पर्व का वह आधा पागल कवि कीर्तन भी करता था। मालूम नहीं वहां किसी वैष्णवी का नाम कमललता था या नहीं, पर यह सच है कि किशोर जीवन के ये चित्र उसके हृदय पर सदा सदा के लिए अंकित हो गए और आगे चलकर साहित्य सृजन का आधार बने। न जाने कितने ऐसे चित्र उसने अपनी पुस्तकों में खींचे हैं। श्रीकांत चतुर्थ पर्व में कथा शिल्पी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, सीधा रास्ता छोड़कर वन जंगलों में से इस उस रास्ते का चक्कर लगाता हुआ स्टेशन जा रहा था। बहुत कुछ उसी तरह जिस तरह बचपन में पाठशाला को जाया करता था। चलते चलते एकाएक ऐसा लगा कि सब रास्ते जैसे पहचाने हुए हैं, मानो कितने दिनों तक कितनी बार इन रास्तों से आया गया हूं। पहले वे बड़े थे, अब न जाने क्यों संकीर्ण और छोटे हो गए हैं। अरे यह क्या, यह तो खां लोगों का हत्यारा बाग है। अरे यही तो है, और यह तो मैं अपने ही गांव के दक्षिण के मोहल्ले के किनारे से जा रहा हूं। उसने न जाने कब शूल की व्यथा के मारे इस इमली के पेड़ की ऊपर की डाल में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। की थी या नहीं नहीं जानता, पर प्रायः और सब गांवों की तरह यहां भी यह जनश्रुति है। पेड़ रास्ते के किनारे है, बचपन में इस पर नजर पड़ते ही शरीर में कांटे उठाते थे। आंखें बंद करके एक ही दौड़ में इस स्थान को पार कर जाना पड़ता था। पेड़ वैसा ही है, उस वक्त ऐसा लगता था कि इस हत्यारे पेड़ का धड़ मानो पहाड़ की तरह है और माथा आकाश से जाकर टकरा रहा है। परंतु आज देखा कि उस बेचारे में गर्व करने लायक कुछ नहीं है, और जैसे अन्य इमली के पेड़ होते हैं वैसा ही है। जनहीन ग्राम के एक ओर एकाकी निशब्द खड़ा है। शैशव में जिसने काफी डराया है, आज बहुत वर्षों बाद के प्रथम साक्षात में उसी ने मानो बंधु की तरह आंख मिचकाकर मजाक किया, कहो मेरे बंधु कैसे हो, डर तो नहीं लगता? मैंने पास जाकर परम स्नेह के साथ उसके शरीर पर हाथ फेरा, मन ही मन कहा, अच्छा ही हूं भाई,
डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बचपन के पड़ोसी हो, मेरे आत्मीय। संध्या का प्रकाश बुझता जा रहा था। मैंने विदा लेते हुए कहा, भाग्य अच्छा था जो अचानक मुलाकात हो गई। अब जाता हूं बंधु। यह इन्हीं दिनों का चित्र तो है, केवल मुंशी लोगों का हत्यारा बाग खान लोगों का हत्यारा बाग हो गया है। ये पंक्तियां लिखते समय उसका अपना बचपन जैसे आंखों में जी उठा था। गल्प गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिभा भी इस समय खूब पल्लवित हो रही थी। 15 वर्ष की आयु में ही वह इस कला में पारंगत हो चुका था और उसकी ख्याति गांव भर में फैल चुकी थी। इसी कारण शायद स्थानीय जमींदार व गोपाल दत्त मुंशी उससे बहुत स्नेह करते थे। उनका पुत्र अतुल चंद्र तब कलकत्ता में एमए में पढ़ता था। वह भी शरद की गल्प गढ़ने की कला से बहुत प्रसन्न था और उसे छोटे भाई की तरह प्यार करता था। कभी कभी वह उसे थिएटर दिखाने के लिए कलकत्ता ले जाता और कहता, तुम ऐसी कहानियां लिखा करो, तब मैं तुम्हें थिएटर दिखाने ले जाऊंगा। दिखाने के बाद कहता, अच्छा तुम इसकी कहानी लिख सकते हो? शरत ऐसी बढ़िया कहानी लिखता कि अतुल चकित रह जाता। इसी तरह लिखते लिखते एक दिन उसने मौलिक कहानी लिखनी शुरू कर दी। वह कौन सा दिन था, किस समय और कहां बैठकर उसने लिखना शुरू किया कोई नहीं जानता, पर उस कहानी का नाम था काशीनाथ। काशीनाथ उसका गुरु भाई था, उसी को नायक बनाकर उसने यह कहानी शुरू की थी। लेकिन वह नाम का ही नायक है, शायद काशीनाथ का रूप रंग भी वैसा रहा होगा, पर घर जमाई कैसा होता है यह उसने पिता को ससुराल में रहते देखकर जाना था। शेष कथानक का आधार भी कोई देखी या पढ़ी हुई घटना हो सकती है। उस समय वह छोटी सी कहानी थी, बाद में भागलपुर में उसने उसे फिर से लिखा। काकबासा और कोरेल ग्राम दो और कहानियां इसी समय उसके मस्तिष्क में उभरी थीं। यहां बताया गया है कि इन कहानियों का कार्यकाल सन 1893 ईस्वी है। और अब पाठ जारी करते हैं। कुछ और कहानियां भी उसने लिखी होंगी, पर यही कुछ नाम काल की क्रूर दृष्टि से बचे रह सके। सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। रोग में सेवा, दुख में सांत्वना, अभाव में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर मेहरी का काम भी करने में वह संकोच नहीं करती थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो। शरत उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे ना। इसी दीदी का 32 वर्ष की उम्र में अचानक एक बार पदस्खलन हुआ। गांव के स्टेशन का परदेसी मास्टर उसके जीवन को कलंकित करके न जाने कहां भाग खड़ा हुआ। उस समय गांव वाले उसके सारे उपकार, सेवा टहल सब कुछ भूल गए। उन हृदयहीन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उससे बोलना चालना तक बंद कर दिया। बेचारी एकदम असहाय हो उठी। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरने लगा,
यहां तक कि वह मरणासन्न हो गई। इस हालत में भी कोई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के लिए नहीं आया। किसी ने उसके दरवाजे पर जाकर झांका तक नहीं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। शरत को भी यह आज्ञा थी कि वह वहां नहीं जाए, लेकिन उसने क्या कभी कोई आज्ञा मानी थी? रात के समय छिपकर वह उसे देखने जाता, उसके हाथ पैर सहला दिया करता, कहीं से एक दो फल लाकर खिला आया करता। अपने गांव के लोगों के हाथों इस प्रकार पैशाचिक दंड पाकर भी नीरू दीदी ने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उसकी अपनी लज्जा का कोई पार नहीं था। वह अपने को अपराधी मानती थी और उस दंड को उसने इसीलिए हंसते हंसते स्वीकार किया था। उसकी दृष्टि में वही न्याय था। शरद का चिंतातुर मन इस बात को समझ गया था कि अपने अपराध का दंड उसने स्वयं ही अपने को दिया था। गांव के लोग तो उपलक्ष मात्र थे, उसने इन्हें माफ कर दिया था, लेकिन अपने को नहीं किया था। जब वह मरी तो किसी भी व्यक्ति ने उसकी लाश को नहीं छुआ। डोम उसे उठाकर जंगल में फेंक आए। सियार कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा लिया और यहीं पर उसने विलासी कहानी के कायस्थ मृत्युंजय को सपेरा बनते देखा था। वह उसके ही स्कूल में पढ़ता था, पर तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सका। एक चाचा के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था, लेकिन वह चाचा ही उसका परम शत्रु था। उसके बड़े बाग पर उसकी दृष्टि थी। चाहता था मरे तो पाप कटे, इसीलिए रोगी हो जाने पर उसने मृत्युंजय की जरा भी खोज खबर नहीं ली। तड़प तड़प कर मर जाता बेचारा, यदि एक बूढ़ा ओझा और उसकी लड़की सेवा करके उसे बचा न लेते। इस लड़की का नाम था विलासी। इस सेवा टहल के बीच वह उसके बहुत पास आ गई, इतनी कि उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पर समाज के ठेकेदार यह सब कैसे सह सकते थे? उन्होंने मृत्युंजय को समाज से बाहर निकाल दिया, लेकिन मृत्युंजय ने इसकी चिंता नहीं की। उसे अपमानित किया गया, पीटा गया, परंतु न तो उसने प्रायश्चित ही किया, न विलासी को घर से निकाला। उसे लेकर वह दूर जंगल में जाकर रहने लगा। वहीं रहकर वह सांप पकड़ता और जीविका चलाता। सिर पर गेरुए रंग की पगड़ी, बड़े बड़े बाल, मूछ दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष और कांच की मालाएं, उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह कायस्थ कुल का मृत्युंजय है? शरत छिप छिप कर उसके पास जाता। उसने सांप पकड़ना, जहर उतारने का मंत्र सभी कुछ उससे सीखा। एक दिन एक जहरीला नाग पकड़ते हुए मृत्युंजय चूक गया। नाग ने उसे डस लिया। उसको बचाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। 7 दिन मौन रहने के बाद विलासी ने आत्महत्या कर ली। वर्षों बाद कथा शिल्पी शरतचंद्र ने लिखा, विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मैं जानता हूं वे सभी साधु गृहस्थ और साध्वी गृहणियां थीं। अक्षय स्वर्ग और सती लोक उन्हें मिलेगा, यह भी मैं जानता हूं। पर वह सपेरे की लड़की जब तक पीड़ित और शयागत रोगी को तिल तिल कर जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत तुच्छ आदमी हो, किंतु उसके हृदय को जीत कर उस पर कब्जा करने का आनंद तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी।
शास्त्रों के अनुसार वह निश्चय ही नरक गई है, परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूं कि वैसे ही किसी एक नरक में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहां बताया गया है कि ये पंक्तियां शरद साहित्य भाग 5 पृष्ठ 121 विलासी गल्प से उद्धृत हैं। और अब पाठ जारी करते हैं। इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे कर सकता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उसे एक और मार्ग से मिली। चोरी चोरी उसने अपने पिता की टूटी हुई अलमारी खोलकर हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकें कभी की पढ़ डाली थीं। ये स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं, बुरे लड़कों के योग्य अपाठ्य पुस्तकें थीं। यही उसको बताया गया था, इसीलिए उसे चोरी का आश्रय लेना पड़ा। वह केवल स्वयं ही उसको नहीं पढ़ता था, अपने साथियों को पढ़कर सुनाता भी था, फिर मन ही मन नए कथानक गढ़ता था। इसी टूटी हुई अलमारी में से उसने अपने पिता की लिखी हुई अधूरी कहानियां भी खोज निकाली। वह उत्सुक होकर पढ़ना शुरू करता, परंतु अंत तक पहुंचने का कोई मार्ग ही पिता ने नहीं छोड़ा था। परेशान होकर वह उठता, बाबा इसे पूरा क्यों नहीं करते, करते तो कैसा होता। तब मन ही मन उसने अंत की कल्पना की और सोचा, काश मैं इस कहानी को लिख पाता। पिता का यह अधूरापन भी उसकी प्रेरक शक्ति बन गया। अभिज्ञता प्राप्त करने के मार्गों की उसके लिए कोई कमी नहीं थी। घर का घोर दारिद्र्य बार बार उसे भाग जाने के लिए प्रेरित करता रहता। यात्रा दल के अतिरिक्त कभी कभी वह यूं ही घर से निकल पड़ता। एक दिन सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर गणेश चंद्र कहीं से कलकत्ता लौट रहे थे। देखा उनके डिब्बे में एक 13-14 वर्ष का लड़का चढ़ आया है। पहनावे से अत्यंत दरिद्र घर का मालूम होता है। बड़े स्नेह से उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, बातें करने लगे। पता लगा कि वह लड़का उनके एक मित्र का नाती है। क्रांतिकारी बिपिन बिहारी गांगुली के पिता अक्षयनाथ ही उनके मित्र थे। वह रिश्ते में शरद के नाना लगते थे। कलकत्ता पहुंचकर गणेश चंद्र ने शरद को अक्षयनाथ के घर भेज दिया। देवानंदपुर में रहते हुए एक बार फिर वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार उसका गंतव्य स्थान था पुरी। यह जाना अनायास और अकारण ही नहीं था, एक परिवार से उन लोगों का घनिष्ठ परिचय था। उसकी स्वामिनी शरद से आयु में बहुत बड़ी थी और उसे बहुत स्नेह करती थी। अचानक वह बीमार हुई। पति कहीं दूर काम करते थे। किशोर शरद, जैसा कि उसका स्वभाव था, मन प्राण से उसकी सेवा में जुट गया। तभी एक ऐसी घटना घटी कि वह उसे गलत समझ बैठा। उसे इतनी ग्लानी हुई कि घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसका शरीर थक गया। न कहीं खाने की व्यवस्था, न ठहरने की सुख सुविधा। परिणाम यह हुआ कि तीव्र ज्वर ने उसे जकड़ लिया और उसे एक पेड़ के नीचे आश्रय लेने को विवश होना पड़ा। उसी समय एक विधवा उधर से निकली। शायद उसने पानी मांगा था या वह कराह था। वह तुरंत उसके पास गई। छूने पर उसका हाथ जैसे तपते तवे पर पड़ा हो। करुणा द्रवित वह बोल उठी, हाय राम, तुझे तो तेज ज्वर है। वह उसे अपने घर ले गई।
कई दिन की उसकी ममतापूर्ण सेवा शुश्रूषा के बाद ही उसे ज्वर से मुक्ति मिल सकी, परंतु तभी एक और ज्वर में वह फंस गया। उस विधवा का एक देवर था और एक था बहनोई। देवर चाहता था वह उसकी होकर रहे, बहनोई मानता था कि उस पर उसका अधिकार है, लेकिन वह किसी के पास नहीं रहना चाहती थी। एक दिन दुखी होकर उसने शरद से कहा, तुम अब ठीक हो गए हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। और कहीं जाने को वह चुपचाप उसके साथ निकल पड़ी। इस निकल पड़ने के पीछे मात्र मुक्ति की चाह थी, लेकिन वह अभी कुछ ही दूर जा पाए थे कि उस विधवा के दोनों प्रेमी वहां आ पहुंचे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, जी भरकर शरद को पीटा और चीखती चिल्लाती विधवा को वापस ले गए। फिर उसका क्या हुआ शरद कभी नहीं जान सका, लेकिन वह समझ गया कि एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी लुच्चे लफंगों में एका होता है और भले लोग अधिक होते हुए भी एक दूसरे से छिटके छिटके रहते हैं। कथा शिल्पी शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का आधार ये ही घटनाएं बनी और इसी समय उसकी रूपरेखा उसके मस्तिष्क में उभरी। वह पुरी के मार्ग पर आगे बढ़ गया, फिर गांव गांव में आतिथ्य लाभ कर जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा इतना विकृत हो गया था कि पहचाना तक न जाता था। सुना गया कि प्रसिद्ध गणितज्ञ पी बसु के घर उसने आश्रय लिया था। एकाध बार चोर डाकुओं के दल में भी पड़ जाने की बात सुनी जाती है। असल में वह इतना दुस्साहसी था कि उसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं चल निकली थीं। उसका स्वभाव था कि अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कहता था, परंतु अभिनय करना उसे खूब आता था। झूठ को सच बनाकर चलाने की कला में वह निष्णात था। इस सब अभिज्ञता के पीछे परिवार की स्थिति थी जो सचमुच बहुत खराब हो चुकी थी। दादी का देहांत हो चुका था, वे थीं तो किसी तरह परिवार के मान की रक्षा करती आ रही थीं, पर अब सबके सामने एक बहुत बड़ा शून्य था। कर्ज मिलने की एक सीमा होती है। निश्चय ही शुभदा की कृष्णा बुआ की तरह किसी ने कहा होगा, अपने बाप से कुछ उपाय करने को, कुछ कमाने को कहो, नहीं तो मैं दुखी गरीब रुपया पैसा कुछ न दे सकूंगी। इस प्रकार दरिद्रता और अपमान को सहन करने की उसकी मां की शक्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। पर जाए तो वह कहां जाए? उसके माता पिता कभी के स्वर्गवासी हो चुके थे। यहां माता और पिता के देहांत के वर्ष बताए गए हैं। माता का देहांत 1891 ईस्वी और पिता का 1 जनवरी 1892 ईस्वी बताया गया है। और अब पाठ जारी करते हैं। परिवार छिन्न भिन्न हो गया था। भाइयों की आर्थिक स्थिति जरा भी उत्साहजनक नहीं थी। फिर भी जब उसके लिए देवानंदपुर में रहना असंभव हो गया तो डरते डरते उसने अपने छोटे काका अघोरनाथ को चिट्ठी लिखवाई। अघोरनाथ ने उत्तर दिया, चली आओ। शरत फिर देवानंदपुर नहीं लौटा। यहां उसका सारा जीवन घोर दारिद्र्य और अभाव में ही बीता। मां और दादी के रक्त और आंसुओं से इस गांव के पथघाट भीगे हुए हैं। दरिद्रता के जो भयानक चित्र कथाशिल्पी शरत ने शुभदा में खींचे हैं, उनके पीछे निश्चय ही उसकी यह अभिज्ञता रही है। इसी यातना की नींव में उसकी साहित्य साधना का बीजारोपण हुआ। यहीं उसने संघर्ष और कल्पना से प्रथम परिचय पाया। इस गांव के ऋण से वह कभी मुक्त नहीं हो सका। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न एक, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा?
आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? प्रश्न संख्या 2, पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों? प्रश्न संख्या 3, पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगा और क्यों? वर्तमान समय में इन बाल सुलभ क्रियाओं में क्या परिवर्तन आए हैं? प्रश्न संख्या 4, नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? शरद को उन निषिद्ध कार्यों को करना क्यों प्रिय था? प्रश्न संख्या 5, आपको शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 6, शरद की रचनाओं में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव हो उठे हैं। पाठ के आधार पर विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 7, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। आघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी कीजिए। शब्दार्थ और टिप्पणी। शब्द नवासा, अर्थ बेटी का बेटा, निस्तब्धता अर्थ खामोशी, यायावर प्रकृति अर्थ घुमक्कड़ी स्वभाव, कृतार्थ अर्थ परोपकार पुरुषार्थ संतुष्ट अनुभव करना, अपरिग्रही अर्थ किसी से कुछ ग्रहण न करने वाला, स्वल्पाहारी अर्थ कम मात्रा में भोजन करने वाला, आच्छन्न अर्थ घिरा हुआ, स्निग्ध हरित प्रकाश अर्थ ऐसा हरा प्रकाश जिसमें चमक और शीतलता हो, आंखें जुड़ाने लगी अर्थ आंखों में तृप्ति का भाव, पुलक अर्थ प्रसन्नता, विदीर्ण अर्थ भेदना, मनस्तत्व अर्थ विद्या संबंधी, पारितोषिक अर्थ पुरस्कार, शाद्वल अर्थ नई हरी घास से युक्त, अपरिसीम अर्थ जिसकी कोई सीमा न हो, आजान बाहु अर्थ जिसकी घुटनों तक बाहें हों, प्रत्युत्पन्न मते अर्थ प्रतिभाशाली जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए, हतप्रभ विमूढ़ अर्थ हैरान कुछ समझ में न आना, आत्मोत्सर्ग अर्थ आत्मबलिदान, सरंजाम अर्थ तैयारी प्रबंध होना या प्रबंध करना काम का नतीजा, मुड़ी अर्थ मुरमुरे चावल का भुना रूप, निरुद्वेग अर्थ शांत उद्वेग रहित, खिरनिया अर्थ पीला फल एक फल वृक्ष, कमचियां अर्थ बांस आदि की पतली टहनी, निविड़ अर्थ घना घोर, स्फुरण अर्थ कांपना हिलना फड़कना, गल्प अर्थ कथा कहानी, धर्मशीला अर्थ वह स्त्री जो धर्म के अनुसार आचरण करे, पदस्खलन अर्थ अपने मार्ग से भटकना पतन होना, अपाठ्य पुस्तकें अर्थ न पढ़ी जाने योग्य पुस्तकें, अभिज्ञता अर्थ जानना। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पूरक ध्वनि पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।